खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कवजवा के ग्राम दिवगमा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह रहे। वहीं खेलों में एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल आदि का आयोजन हुआ, जिसमें कई गांवों के छात्र छात्राओं ने खेल में भाग लिया, जिसमें सिरमौर विधायक ने सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। वहीं सिरमौर विधायक ने कहा कि शिवराज सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कप का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को आगे लाने के लिए खेल का आयोजन किया जा रहा है। खेल को सभी को खिलाड़ियों की भावना से खेलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा को आगे लाने के लिए समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। हमें एक स्टेडियम का पहली बात तो निर्माण भी हुआ था और बहुत दिनों से मेरे मन में यह था कि स्टेडियम में कोई खेल प्रतियोगिता हो। तो नवीन जी से मैंने कहा कि जो इस बार का सीएम कप है वो हम देवगावा स्टेडियम में ही करवाएंगे। निश्चित रूप से अभी थोड़ी सी यहाँ सुविधाएं की कमी है, लेकिन इसको और बेहतर हम लोग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ियों की निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कई सालों से यहाँ पर खेल कूद के मैदान के अभाव था। और निरंतर हमारा प्रयास रहा है कि जवा क्षेत्र में जो खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ियों को बच्चों के मन में जो मंशा है खेल कूद के लिए, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए आने वाले भविष्य में ये स्टेडियम, क्योंकि कॉलेज और ये स्टेडियम दोनों साथ में खुला है, तो निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र के, जवा क्षेत्र के लिए इसको बहुत बड़ा हमारे बच्चों के लिए लाभ होगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ये मुख्यमंत्री कप विगत 4-5 सालों से मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी, जो अनेक प्रतिभाएं हैं, चाहे वो वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, एथलेटिक्स, बाकी सभी खिलाड़ी इसमें अपने भाग ले पा रहे हैं। और निरंतर हम देख रहे हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जो कि जिनके पास कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव रहता था और खेल अपना दिखा नहीं पाते थे, निश्चित रूप से अब इसके माध्यम से आप लोग अपने गांव से भी आप अपना रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं, और आपने अगर हुनर है तो आप मध्य प्रदेश के लिए भी आगे चल करके इस सीएम कप के माध्यम से आप लोग अपने खेल का भागीदारी वहां पर पूरे मध्य प्रदेश में कर पाएंगे। निश्चित रूप से जैसा कि हम लोग देख रहे थे अभी वॉलीबॉल में भी देखा कि अगर खेल में प्रैक्टिस नहीं होती है तो खेल में खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और हमारे क्षेत्र में अगर खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में वो पीछे रह जाते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हमारे बच्चे निरंतर उनको प्रैक्टिस करने की हम लोग सुविधा देते रहें। अभी प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, अप्रैला के स्कूल हैं, जवा के स्कूल हैं, आप लोगों ने अच्छी मेहनत करके हमारे बच्चों के साथ प्रैक्टिस कराई है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। निश्चित रूप से हमारे सभी प्राइवेट स्कूल्स, शासकीय स्कूल्स, क्योंकि सीएम राइज भी हमारा डभौरा बन गया है, उसको भी हम लोग कोशिश करें कि वहाँ से अच्छे बच्चे खेल में भी निकल करके आए। तो इसी प्रकार से एक खेल का माहौल अगर हमारे पूरे जवा क्षेत्र में बनेगा, क्योंकि खेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें दीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.